आप जानते हो क्यों? शैतान हमेशा चाहता है कि आप है ना एक अधिक सोचने वाले व्यक्ति बनो, चिंता करने वाले, परेशान, हताश, निराश, क्योंकि बाइबल बताती है जहां मन है वहीं पर बदन जाता है। मन सारी चीजों का अगुआ है। माइंड इज अ लीडर ऑफ योर बॉडी। आप जो सोचोगे आपका बदन वहीं जाने वाला है। एक यही चीज है जो डॉक्टर भी आपको नहीं दिखा सकते कि ये बदन में है कहां। इट्स अ इनविजिबल पार्ट। आप जानते हो शाऊल क्यों कमजोर हुआ, दाऊद क्यों से मजबूत बना रहा? सुनिए, आप सदैव याद रखिएगा, जितना आप अपने हालातों को देखेंगे उतने आप कमजोर पड़ेंगे। जितना आप अपनी सिचुएशंस को देखोगे, परिवार अब तक विश्वास में नहीं आया है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बीमार हूं, मेरे घर के अंदर विरोध हो रहा है, इतने सालों से मेरी कुछ दुआओं के उत्तर नहीं आ रहे, ना जॉब मिल रही है, ना स्टेबल हो पा रहा हूं, ना मेरा मैरिज हो पा रहा है। चलो, आई एग्री विथ यू, ये प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास, मैं सहमत हूं, लेकिन मुझे बताइए आपके ध्यान देने से थोड़ी सॉर्ट होने वाली है वो? मैं आपको नहीं कह रहा हूं यू शुड इग्नोर, आप इन चीजों को मत देखो, नो, प्रॉब्लम है, लेकिन तकलीफ को निहारने से तकलीफ थोड़ी दूर जाने वाली है। कभी कभी तो हम इतना सोचते हैं कि हमारा बिहेवियर बदल जाता है। चलो ठीक है, कल किसी को पैसा देना है, आपके हाथ में नहीं है, इंस्टॉलमेंट भरनी है, बैंक देना है, चलो ठीक है भाई, मेहनत कर, सामने वाले से थोड़ी मोहलत मांग ले, परेशान क्यों हो रहा है? अगर आप एक ऐसी बहन हैं, आप स्टूडेंट हैं, एक महीना बचा है पेपर में और आपकी ठीक से पढ़ाई नहीं हो पाई थी, अब एक महीना ये सोचते रहोगे कि पढ़ाई नहीं हुई है, इट्स बेटर कि बुक्स खोल दो, एक महीने में जितना कर सकते हो करो। सो मेनी टाइम्स वी आर डिस्टर्ब, वी नेवर यूज अवर विजडम। हम कई बार परेशान होते हैं पर बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते। मैं बहुत बार ये बात कहता हूं, मैं आज भी कहता हूं, तकलीफ बोलने से तकलीफ दूर नहीं जाती, तकलीफ के ऊपर वचन बोलो वो दूर जाएगी। प्रोक्लेम योर वर्ड। क्या परमेश्वर ने कहा अंधकार है, अंधकार है, अंधकार है, अंधकार है, अंधकार है? नो, उसने ये नहीं कहा ये अंधकार है, उसने अब उसका सोल्यूशन बोला, ज्योति हो। दाऊद ने बार बार ये नहीं कहा गोलियत मजबूत है, मजबूत है, मजबूत है, उसने हमेशा सॉल्यूशन का, उसने कहा जिस परमेश्वर ने मुझे बालू और शेर से बचाया है मुझे यहां से भी बचाएगा। क्यों शाऊल कमजोर पड़ा? क्योंकि वो कंटिन्यू गोलियत को देख रहा था। लेकिन क्यों दाऊद मजबूत था मेंटली? क्यों वो युद्ध में जाने से पहले ही जीत चुका था, मैं जाऊंगा इसे मारूंगा? क्यों? क्योंकि दाऊद का मन खुदा में था। आप जिसकी तरफ देखोगे उसकी तरह बनोगे। अगर आप सिचुएशन की तरफ देखोगे आप कमजोर बनेंगे, आप परमेश्वर की तरफ देखेंगे आप मजबूत बनेंगे। यू शुड लर्न दिस लेसन फ्रॉम टुडे। कोविड, इतना सुना मैंने ये वर्ड कोविड, इतना इसको फेमस किया गया कि जब लोगों को हुआ तो वो आधा कोविड से और आधा डर से ही मर गए बेचारे। कितने सारे मेरे दोस्त चले गए, 28 साल का, 32 साल का, 36 साल का, फिर मेरे घर के अंदर एक मौत हो गई जवान व्यक्ति की। मैं सोच रहा था प्रभु कोविड इतना स्ट्रॉन्ग है क्या? दो बार मुझे कोविड हुआ, दोनों बार बच गया मैं। प्रभु को कह रहा था प्रभु ये क्यों मर गए, क्या कारण था प्रभु, क्या इनकी उम्र इतनी लिखी थी आपने? नहीं सूरज, डर ने मारा इन्हें।
अगर बाइबल कहती है मेरा धर्मीजन विश्वास से जिएगा, तो इसका उल्टा करके देखिए, जिसे विश्वास नहीं है वो मरेगा। कहां निहार रहे हैं हम लोग इन दिनों में? क्यों आप मजबूत क्यों नहीं हो रहे हो? शाऊल देखो हमेशा राजा बना रहा, लेकिन जब गोलियत सामने आया वो कमजोर पड़ गया। लेकिन दाऊद को देखो, उस सिचुएशन में उसका बिहेवियर कैसा था। मैं फिर से कहता हूं, आपकी उन्नति इसराइल में रहकर नहीं दिखती, आपकी उन्नति तब दिखती है जब गोलियत आता है। यू शुड अंडरस्टैंड दिस। मैं 3 घंटा प्रार्थना करता हूं, मैं 4 घंटे बाइबल पढ़ता हूं, मैं 40 डेज की फास्टिंग करता हूं। ब्रदर, अप्रिशिएट यू, कंटिन्यू करो। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जब सिचुएशन आती है आप कैसा बिहेव करते हो? एक दिन मुझे हवलदार ने पकड़ा, मुझे कहा लाइसेंस दिखाओ। मेरे पास लाइसेंस था पर पॉकेट में नहीं था, मैं घर पे रख के गाड़ी चला रहा था। अब मैंने उनको कहा, अंकल मेरे पास है, आप 5 मिनट भले बैठो पीछे, मैं आपको घर पे चल के दिखाता हूं। वो हंस रहे थे, बोलते पागल व्यक्ति तू क्या बोल रहा है। मैंने कहा घर पे पड़ा हुआ है, आप चलो मैं घर पे चाय भी पिलाता हूं आपको। वो कह रहे थे लाइसेंस गाड़ी चलाते समय तुम्हारे पास होना चाहिए। मैंने कहा वो तो नहीं है। अब अंकल इतने प्यारे थे, वो पावती फाड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे, उनको 200 रुपया चाहिए था। उनको पता था पावती फाड़ूंगा तो पैसा गवर्नमेंट के पास जाएगा, 200 मिलेगा तो अपने जेब में आएगा। मुझे ख्याल दे रहा था शैतान, 200 रुपया दे दे, छूट जा, कोई विश्वासी भी नहीं है आसपास, तेरा गवाही खराब नहीं होगा। मेरे साथ कोई भी नहीं था। मुझे अंदर से प्रभु ने कहा कितना फाइन है? मैंने कहा 2000 रुपया। प्रभु ने कहा 2000 भर। जब मैं 2000 का नोट निकाल रहा था, मुझे लग रहा था परमेश्वर इब्राहिम से इसहाक मांग रहा है। 2000 का नोट वो हवलदार को दिख रहा था। मैंने कहा पावती फाड़ो। क्या? मैंने कहा पावती फाड़ो। पावती ठीक है, फाड़ते से बोल रहा पक्का फाड़ू। फाड़ो यार, दो मुझे, मेरा विवेक नहीं तो मुझे सालों तक तंग करता रहेगा, मैंने रिश्वत दी तुम्हें। और जब मैंने 2000 भर के मैं घर आया, मैं वहां से ऑफिस नहीं गया, सीधा घर गया। मैं घर गया, मैंने लाइसेंस लिया। आज उस बात को 6 साल हो गए हैं, मैं एक दिन भी लाइसेंस नहीं भूला हूं, क्योंकि ये घटना मुझे याद है 2000। अगर उस दिन मैं 200 रुपया दे देता ना, तो मुझे खुद पे शक होता कि सच में मैं विश्वासी हूं भी कि नहीं। मैं आपको फिर से कहता हूं, आप कैसे हैं, आपकी उन्नति कितनी है, ये तब नहीं दिखता है जब आप खुश हैं, ये तब दिखता है जब आप ट्रायल्स में आते हैं। आप कितने खुदा में करीब हैं, आप कैसे वहां से निकलते हैं। क्योंकि आज बहुत सारे लोगों को लगता है मैंने बाइबल पढ़ ली है, मैंने प्रार्थना की है, मेरे पास ये नॉलेज है, मेरे पास वो नॉलेज है। ब्रदर, आई एम नॉट कंडेमिंग यू, आई रियली अप्रिशिएट यू कि आपके पास इतना कुछ है, प्रभु आपको और दे। लेकिन उन्नति इसमें नहीं दिखती, सिर्फ उन्नति इसमें दिखती है कि जब आप कहां से गुजर रहे हो तो आप किस तरह का व्यवहार करते हो। दाऊद को देखो, वो कैसे निकला बोल्ड होकर। इतिहास बताता है जब उसने गोलियत को मारा तो उसके बाद उसने एक जबूर लिखा, एक भजन लिखा, और उस भजन में उसने लिखा, धन्य है हमारा परमेश्वर जो हमारे शत्रुओं को हमारे वश में कर देता है। दाऊद जानता था गोलियत पत्थर से नहीं मरा। संडे स्कूल के बच्चों को आप सिखा सकते हो, दाऊद ने गोलियत को घुमा घुमा के मारा,
लेकिन हम सभी जानते हैं वो पत्थर से नहीं मरा था, खुदा था उस युद्ध में। इट वॉज गॉड। ओ जब वो उसको घुमा रहा था, इट वॉज द होली स्पिरिट, वो पवित्र आत्मा का फोर्स था जो उसे ले गया। आमेन। जो अपने परमेश्वर को जानते हैं वे बड़े सामर्थी होते हैं। आमेन। कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप फॉर द लॉर्ड। हालेलुया। जो अपने परमेश्वर को जानते हैं वे बड़े सामर्थी होते हैं, और इतने सामर्थी होते हैं कि सिचुएशन उनको दबा नहीं पाती, वो सिचुएशन के ऊपर बैठे हुए रहते हैं। आमेन। लर्न दिस। आप बिलीव कीजिए, मैंने बहुत बेसिक से शुरू किया है आज। जैसे जैसे मीटिंग्स आती जाएंगी हम और गहरे में जाएंगे, हम और नई नई दाखरस पिएंगे। आमेन। सो खुदा आप सबको बरकत दे। मैं ऊपर जाता हूं अभी। खुदा आपको बहुत ब्लेस करे। कितने लोगों ने आज कुछ समझा? मेरे पीछे कहिए, उन्नति तब दिखाई देती है जब मैं हालातों का सामना करता हूं। कहिए, मुझे अपने हालातों में परमेश्वर को देखना है। आइए अपनी बाइबल को उठाइए। कम ऑन, लिफ्ट योर बाइबल्स। मेरे पीछे कहिए, परमेश्वर वचन है। से इन इंग्लिश, गॉड इज वर्ड। कहिए, गॉड इज वर्ड। कहिए, परमेश्वर वचन है। जो उसके वचन को निहारता है वो परमेश्वर को निहारता है। Yes, amen. Amen. खुदा आपको बहुत बरकत दे।